बस शांत हो, शांत हो। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 1 1 2 1 2 ये सब क्या होता है। अब टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे और टोटल ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, इनके भैया ये फॉर्मूले वगैरह हैं याद कर लो। अब इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। चलो सुनो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इन्होंने ये बोला है कि p की वैल्यू अगर q से बड़ी है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो हो गए। अब ये p और q क्या है, मैं आपको बता दूं। अगर सपोज मैंने कोई एक सेट लिया a, सेट a के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और b के अंदर मैंने ले लिया, प्लीज़ बेटे बात नहीं करना a और b, ठीक है, समझना बात को ध्यान से। तो जो a के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसको बोला गया p, तो p की वैल्यू कितनी होगी 3 और q की वैल्यू कितनी होगी 2। अब इन्होंने बोला क्या है मानसी, कि अगर p की वैल्यू q से बड़ी है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो। सही बात है, देखो कैसे, देखो कैसे, अगर ये सेट a है 1 2 3 और ये क्या है a और b, अगर आपने इसको इससे कनेक्ट किया और इसको इससे कनेक्ट किया तो अभी तो फंक्शन ही नहीं है, तो फिर इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो अब ये वन वन नहीं बचा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि सेट a के एलिमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर ज्यादा हैं तो आंसर जीरो आ जाएगा नंबर ऑफ। अब ऐसे केस में अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, तो भाई सब जीरो होंगे, पक्की बात है। हाँ, अब ठीक है, अगर कोई इस तरीके से बोले आपसे सी डी ये चार दे दे, तो अब क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 4 हो गई, और क्यू की वैल्यू अगर बराबर है या ज्यादा है तो फॉर्मूला होता है क्यू पी आर, डायरेक्ट लिखो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का। क्यू की वैल्यू कितनी 4 और पी आर की वैल्यू कितनी है 4, क्या होगा यहाँ पे स्मॉल p होगा, ठीक है। तो q की वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो ये आंसर आ जाएगा 4p3, मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 से 3 गया 1। क्या फार्मूला होता है 4 - r होता है 4 - 3, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, पक्की बात है। चलिए अब देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन में। बाइजेक्टिव में बोल रहे हैं अगर p की वैल्यू q के बराबर है तो फैक्टोरियल p होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई बता के नहीं आया था घर पे इसका मतलब, इसी में पूछना, हम बताओ क्या फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 क्या है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, तो इतने टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं अगर बाइजेक्टिव की बात करें कि अगर p और q आपस में बराबर है तो ही आंसर आएगा, अगर p और q आपस में बराबर नहीं तो आंसर जीरो आएगा। सही बात है, क्यों ऑन टू में कहते क्या है कि लास्ट वाले सेट के कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये कह रहे हैं एक सेट a है 1 2 3 और एक सेट b है मान लो a b c, अगर इनके एलिमेंट बराबर हैं तभी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, तो आंसर क्या आएगा फैक्टोरियल 3, खत्म करो, ठीक है। आंसर क्या होगा 3 × 2 × 1, पक्की बात है, आंसर आ गया 6, क्लियर है, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ये देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है तो, लेकिन मैंने लिख दिया है, याद कर लेना, मुझे याद नहीं है, आप लोग याद कर लेना है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, कंडीशन क्या है, पी की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। सही बात है, अगर क्यू की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो गई तो एंड के खाली रह जाएंगे, तो ये तो सब चीज़ें ठीक है। अब एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं, फिर हैं 2 3 4 ले लिया और b में हमने ले लिए a और b, दो एलिमेंट ले लिए। अगर कोई आपसे पूछे p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू कितनी है 2, यस और नो, कंडीशन ट्रू हो रही है, p की वैल्यू ज़्यादा है। तो अब कह रहे बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो फॉर्मूला ये कहता क्या, पहले इसको समझो। सिग्मा का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल, ठीक है सर। चलो लिखते चलते हैं, r की वैल्यू 1 से कहाँ पर जा रहा है q, और q की वैल्यू कितनी है 2, बहुत खुशी की बात है। -1 क्यू माइनस आर, अभी तो ऐसे ही लिख दो पूरा फॉर्मूला, और क्यू सी आर और आर की पावर पी। अब देखो जहाँ जहाँ पर आर है उस हर जगह पहले तो 1 पुट कर दो और पी और क्यू की वैल्यू ये पुट कर दो, ठीक है। तो -1 क्यू की जगह कितना 2, आर की जगह 1, क्यू की जगह 2, सी आर की जगह 1 और आर की जगह 1 और पी की जगह 3, लिख दिया। जहाँ जहाँ भैया आर था उस जगह 1 पुट कर दिया, आँख बंद करके तुरंत प्लस लगा दो,
क्योंकि सिग्मा का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल। फिर आर के बाद अगली वैल्यू क्या है, वन के बाद टू कितनी है, तो जहां जहां आर है उसकी जगह टू पुट कर दो बस, तो माइनस वन की पावर क्यू की जगह टू, आर की जगह टू, क्यू की जगह टू और आर की जगह टू, आर की जगह टू और पी की जगह थ्री, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर दो। तो ये आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। क्या चमका, एग्जाम में आने की 99% जो संभावना है वो इन दोनों की है, लेकिन अगर 1% का भी डाउट है तो यार उसको करके जाना, अगर टारगेट 100 मार्क्स का है तो ठीक है। वैसे संभावना इन्हीं की है 99% की, ये आपको रखे रखे मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में या केस स्टडी किसी में भी, अब इनको ऐड कर लेना बस ठीक है। अगर जिन बच्चों को डाउट हो तो मैं ऐड करके भी बता देता हूँ, माइनस वन की पावर वन, तो ये तो माइनस वन ही हो गया, और टू सी वन कितना होता है, टू होता है, और ये वन प्लस माइनस वन का जीरो वन हो गया, टू सी टू वन हो गया और टू की पावर थ्री, तो इधर आंसर कितना आया, माइनस का टू प्लस का एट मतलब सिक्स, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बन जाएंगे, सिक्स। पक्की बात है सर, ठीक है सर, चलिए।